विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ सवाल एक और हजार या लाख का नहीं है, सवाल है कि बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। हजार के साथ हो चाहे एक के साथ हो, शोषण तो हुआ ना। देश की 135 करोड़ जनता इसका फैसला लेगी कि कौन सही है कौन गलत है। बबीता फोगाट कौन है? बबीता फोगाट भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है, बट भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी है। पीटी उषा कौन है? पीटी उषा भारतीय जनता पार्टी की मदद से राज्यसभा पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। इनके साथ पूरे देश भर की जनता खड़ी है और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता ये यहाँ से जाने वाले नहीं है। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप सभी का जनहित आवाज में स्वागत है। मेरे साथ है खाप पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम इनसे बात करेंगे कि एफआईआर हो चुकी है, अब ये लोग बोल रहे हैं, ब्रिजभूषण सरन सिंह का बार बार बयान आ रहा है कि इन लोगों को अब घर चले जाना चाहिए, इन लोगों का किसी ना किसी राष्ट्रीय पार्टी से जरूर संबंध है, ये लोग आगे जाके कहीं कभी ना कभी चुनाव लड़ेंगे, वो दावा कर रहे हैं बार बार। देखिए, उनको तो बोलने का अधिकार नहीं है। अगर उनको बोलने का अधिकार होता या उन बेटियों की तरफ या खिलाड़ियों की तरफ ध्यान देते तो ये नौबत नहीं आती। पिछले 3 महीने से बेचारे प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अगर ब्रिजभूषण को इनकी चिंता होती, खेल की चिंता होती, तो खुद आकर इस्तीफा देते और अपने वो कहते कि मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देता हूं और उस न्यायिक प्रणाली का मैं सहयोग करते। लेकिन वो सहयोग करने की बजाय सरकार को दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। कमेटी तो बैठी थी, कमेटी में बबीता फोगाट भी थी, उन्होंने अभी बोला है कि कुछ लोग यहाँ पे राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीटी उषा बोल रही है कि लोगों को यहाँ पे धरना नहीं देना चाहिए, एक महिला हो के ऐसी बातें कर रही है। देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बबीता फोगाट कौन है? बबीता फोगाट भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है, बट भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी है। पीटी उषा कौन है? पीटी उषा भारतीय जनता पार्टी की मदद से राज्यसभा पहुंची है और भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। तो वो लोग जो जिनके ऊपर उंगली खड़ी हुई है, वो कैसे इस आंदोलन को सही और गलत ठहरा सकते हैं? देश की 135 करोड़ जनता इसका फैसला लेगी कि कौन सही है कौन गलत है। कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से ये अपील जरूर करना चाहूँगा, पीटी उषा जी से भी और बबीता फोगाट से भी, कि हम आपका सम्मान करते हैं, आप भी देश का गौरव रहे हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में समाज से बुराई ना ले, समाज के विपरीत जाने की कोशिश ना करें। ये कहीं ना कहीं देश की 80 करोड़ महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई है, आपको भी आगे आकर आना चाहिए। आप एक महिला हैं, एक खिलाड़ी हैं, तो आपको इनके साथ आकर बैठना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं जातिवाद कर रहे हैं ये लोग, प्रदेशवाद कर रहे हैं, एक ही जाति के सब लोग यहाँ पे इकट्ठे होके राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जो पूछ रहे हैं उनका मैं क्या जवाब दूं? आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न विभिन्न राज्यों से, विभिन्न विभिन्न जातियों से, पूरे देश से लोग आए हुए हैं। आप यहाँ मौजूद है, वो कमरे में बैठ के बयान दे रहे हैं, आप तो यहाँ ग्राउंड पे मौजूद है, आप पता कर लीजिए कौन कौन कहाँ से आ रहा है। पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, सभी सामाजिक संगठनों के, सभी खाप पंचायतों के प्रधान आ रहे हैं, विभिन्न प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, सभी जातियों के लोग आ रहे हैं, सबका समर्थन है। और जो मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों को भगवान, जब भगवान किसी को आकर कभी दंडित नहीं करता, जिसको आगे बढ़ाना होता है उसको सद्बुद्धि दे देते हैं और जिसको पीछे हटाना होता है उसकी कुबुद्धि दे देते हैं, तो यही एक उदाहरण है। नहीं, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो बोल रहे हैं कि पहले जब ये लोग फर्स्ट टाइम धरने पे आए थे उन्होंने कहा था 100 लोगों के साथ शोषण किया है, आप बोल रहे हैं 1000 लड़कियों के साथ शोषण किया है, मैं क्या हूँ? वो ऐसा सवाल उठा रहे हैं कि बार बार इनका बयान बदल रहा है। देखिए, वो तो खिलाड़ी बताएंगे, बयान बदलने की बात नहीं। बयान तो ब्रिजभूषण के भी बदल रहे हैं, बयान तो जो कमेटी के मेंबर हैं उनके भी बदल रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि चाहे हजार के साथ हो चाहे एक के साथ हो, शोषण तो हुआ ना। खुद कमेटी के सदस्य इस बात को कबूल करते हैं कि हाँ, एक लड़की के साथ यौन शोषण हुआ,
तो यहाँ सवाल एक और हजार या लाख का नहीं है, सवाल है कि बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो लोग इसको जातिवाद बताते हैं, वो जहाँ तक मेरी जानकारी में जो सात पीड़ित बच्चियाँ रही हैं जिनके साथ इकट्ठा हुए, वो अलग अलग जातियों से और अलग अलग राज्यों से हैं। तो ये एक जाति और एक राज्य का नहीं है। कह रहे हैं कि अब इन लोगों को घर चले जाना चाहिए, यहाँ पे बैठ के क्या करना चाह रहे हैं अब, तो अब ये लोग यहाँ से जाएंगे, मोदी जी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अपराधी बन के कभी इस्तीफा नहीं दूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी के नेताओं को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की उनकी प्रवृत्ति आप सब जानते हैं कि करीब करीब 80 मुकदमे उनके ऊपर हैं और 38 मुकदमे आज भी चल रहे हैं, तो वो किस आधार पर बोल रहे हैं? वो कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच में ये शो कर रहे हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है, और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। और उनको कोई अधिकार नहीं इन बच्चों को राय देने की कि यहाँ से जाए ना जाए, इनके साथ पूरे देश भर की जनता खड़ी है, और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता ये यहाँ से जाने वाले नहीं जाएंगे। ये लोग कह रहे हैं कि जेल जाएंगे तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे, तो क्या लग रहा है कब तक वो जेल जाएंगे, कब तक ये लोग यहाँ पे रहेंगे, कब तक वो जेल जाएंगे? सबसे आखिरी सवाल यही है। ये तो गृह मंत्री जी बता पाएंगे, क्योंकि कानून के तहत जिस तरह का नाबालिग बच्ची के साथ ये घटना हुई है, पोस्को का मामला, उसमें तो तुरंत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, तो वो तो देश की गृह मंत्री जी बता पाएंगे कि कब तक उनको जेल में डालेंगे, और ताकि ये बच्चे अपने घर जाकर चैन की नींद सो सके। तमाम विपक्षी दल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भी आप खाप पंचायत हो, किसान आंदोलन से सारे लोग यहाँ पे, राकेश जी कैसे, लेकिन जितने भी राष्ट्रीय दल यहाँ पे हैं, विपक्षी हैं, सारे लोग यहाँ पे एकजुट हो गए हैं, लेकिन एक बृजभूषण शरण सिंह को नहीं हिला पा रहे हैं, क्या है, क्यों? देखिए, हिलाने का तो किसी की व्यक्तिगत बृजभूषण सिंह से कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई है महिलाओं को इंसाफ दिलाने की, महिलाओं को न्याय दिलाने की। और जहाँ तक हिलाने की बात है, खाली बृजभूषण सिंह नहीं, अगर देश की जनता ने ठान लिया तो जो जो उसको संरक्षण दे रहे सबको हिला देगी, देश की 135 करोड़ जनता ने ठाना। देख सकते हैं, ये खाप पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इन्होंने कहा है कि अगर देश की जनता चाह लेगी तो इनको नहीं, पूरे इनको जो संरक्षण दे रहे हैं उन सभी को हिला के रख देगी।